हिंदू धर्म और सामुदायिक शास्त्र में स्त्रियों को विशेष स्थान दिया गया है, जो परिवार, समाज और धर्म के अभिन्न अंग हैं। एक स्त्री के गुण, आचरण और शारीरिक विशेषता यह दर्शाती है कि वह कितनी सौभाग्यशाली है, दिव्य है, आशीर्वाद से संपन्न है। भाग्यशाली स्त्री न केवल अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करती है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए शुभता का कारण बनती है। ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे कौन कौन से बनावट हैं जो स्त्री के भाग्यशाली होने का संकेत देता है। नंबर वन, लंबे और काले घने बाल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के बाल लंबे, घने और काले होते हैं, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। यह न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य, शरीर और दीर्घायु का भी प्रतीक माना जाता है। बालों की यह विशेषता दर्शाती है कि स्त्री के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा कितनी कम है और सकारात्मक ऊर्जा कितनी अधिक है। यह उसके अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता को बढ़ाती है। लंबे और सुंदरता बाल वाले स्त्री अपने परिवार के लिए सुख, शांति और उन्नति का कारण बनती है। नंबर टू, गुलाबी हाथ और पैर। जिन स्त्रियों के हाथ और पैर मुलायम और गुलाबी रंग के होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। गुलाबी रंग के शरीर में अच्छे रक्त का प्रवाह होता है, स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, गुलाबी रंग के पैर वाली स्त्रियां देवी लक्ष्मी की कृपा के विशेष पात्र होते हैं और उनके कारण घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, घर में धन धान्य में वृद्धि होती जाती है। नंबर तीन, चेहरे में प्राकृतिक चमक। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिन स्त्रियों के चेहरे में बिना किसी कृत्रिम उपाय के तेजी तेज होता है, चमक होता है, उसका आभामंडल बहुत अच्छे से कार्य करता है, वे विशेष रूप से पुण्यवान मानी जाती हैं। यह आंतरिक पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। ऐसी स्त्री के चेहरे की चमक न केवल उनकी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि यह भी इंगित करती है कि वे अच्छे कर्म और आध्यात्मिक साधना में हमेशा रत रहते हैं, जो उसके आसपास सकारात्मक ऑरा का निर्माण करता है। नंबर फोर, आँखों में चमक और स्पष्टता। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की आँखें बड़ी, चमकदार और स्पष्ट होती हैं, वे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यह लक्षण इस बात का संकेत देती है कि वह स्त्री समझदार, दूरदर्शिता और आत्मविश्वास से भरी हुई है। आँखों की चमक आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वह आत्म की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाती है। नंबर फाइव, मधुर और कोमल आवाज। हिंदू धर्म और सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा माना जाता है, जो स्त्री भाग्यशाली होती हैं, उनकी आवाज़ मधुर और कोमल होती हैं। ऐसी आवाज़ दूसरों के मन को प्रसन्न करती है और परिवार में शांति, सद्भावना, सहोदरता बनाए रखती है। स्त्री की यह विशेषता दर्शाती है कि वह दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से व्यवहार करती है, जो सुखी दाम्पत्य जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बनती है। नंबर सिक्स, संघ के आकार का पैर। सामुद्रिक शास्त्र में जिन स्त्रियों के पैर संघ के आकार के होते हैं, वे अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि वह स्त्री अपने जीवन में कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी का अनुभव नहीं करती है, उसके जीवन में हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह दर्शाता है कि स्त्रियों के जीवन में धन, समृद्धि और शांति का प्रवाह लगातार बना हुआ रहता है। यह बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। नंबर सेवन, शरीर में प्राकृतिक सुगंध आना। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से हल्की सुगंध आती है, वे ईश्वर की विशेष कृपा से संपन्न होती हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि उसके अंदर की भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
वे आध्यात्मिक प्रसन्नता और उन्नति के पथ में लगातार अग्रसर होते हैं। उनकी यह विशेषता दूसरों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली लाती है। नंबर 8, लंबी और सुंदर उंगली वाली स्त्रियां। जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी, पतली और सुंदर होती हैं, उन्हें सामुद्रिक शास्त्र में शुभ माना जाता है। यह लक्षण इस बात का संकेत देता है कि वह स्त्री अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखती हैं। यह भी माना जाता है कि जिन स्त्रियों का भाग अच्छा होता है, वे अपने परिवार और धन धान्य के स्रोत बनती हैं और कहीं ना कहीं से धन आता ही रहता है। नंबर 9, बड़ों का सम्मान और मर्यादाओं का पालन। हिंदू धर्म में ऐसी स्त्रियों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और परिवार की मर्यादाओं का पालन करते हैं। ऐसे स्त्री न केवल अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करती हैं, बल्कि उनके माध्यम से समाज और परिवार में भी मान सम्मान प्राप्त होता है। उन्हें इन गुणों के कारण माता पिता और गुरुजनों का भी आशीर्वाद लगातार प्राप्त होता रहता है। नंबर 10, धार्मिक आस्था और ईश्वर पर विश्वास। जो स्त्री नियमित रूप से पूजा पाठ करती है, ईश्वर में गहरी आस्था रखती है, वे जीवन में विशेष रूप से सौभाग्यशाली मानी जाती है। उनकी यह धार्मिक प्रवृत्ति उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आत्मबल देने का कार्य करता है और उनके जीवन में शांति और समृद्धि का संचार करता है। नंबर 11, प्रेम पूर्ण दाम्पत्य जीवन। सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली की स्त्री की पहचान उसके प्रेम पूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन से होती है। ऐसी स्त्रियों के परिवार में सामंजस्यता और सौहार्दता हमेशा बनी रहती है और वे अपने पति और बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो घर में सुख शांति समृद्धि का कारण बनती है। नंबर 12, मंगलसूत्र और सिंदूर धारण करना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार और हिंदू धर्म में सिंदूर और मंगलसूत्र धारण करने वाली विवाहित स्त्रियों को सौभाग्यशाली माना जाता है। यह एक प्रकृतात्मक रूप को दर्शाता है। वह स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ऐसे प्रतीक से वह न केवल स्वयं की रक्षा करती है, बल्कि परिवार की समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। नंबर 13, स्वस्थ और सुंदर नाखून। जिन स्त्रियों के नाखून स्वस्थ, गुलाबी और सुंदर होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उन्हें सौभाग्यशाली माना जाता है। यह उसके अच्छे स्वास्थ्य और संपन्न जीवन का प्रतीक माना जाता है। सुंदर नाखून दर्शाता है कि ऐसी स्त्री का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होता है और वह दूसरों के जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। नंबर 14, संतुलन और गरिमापूर्ण चाल। हिंदू धर्म और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो स्त्री गरिमापूर्ण संतुलन और चाल से चलती है, वह आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। उसकी यह चाल दर्शाती है कि वह जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम है और वह हर परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, जिससे जीवन में संतुलन का लगातार बेहतर आकलन किया जा सकता है। नंबर 15, कोमल स्वभाव और दयालु हृदय। जो स्त्री कोमल स्वभाव और दयालु हृदय के होते हैं, उसे विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है। उनकी करुणा और सहानुभूति न केवल उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है, बल्कि वह अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। ऐसे स्त्रियों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है। अंत में कहा जा सकता है कि भाग्यशाली स्त्री अपने गुणों के माध्यम से, अपने आचरणों और विचारों के माध्यम से जीवन में एक गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्त्री न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने परिवार और समाज में भी शुभता और समृद्धि का संचार करती है।